स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट फोर जो है उसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि इसके जो तीन पार्ट हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके जो पीडीएफ वगैरह हैं आपके इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और पीडीएफ में बेनिफिट ये है कि जो पीडीएफ है वो आपके डुअल लैंग्वेज में है, मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो दोनों कैंडिडेट्स के लिए ईजी हो जाएगा, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। तो आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे मटेरियल प्रिपेयर होता है और समय के हिसाब से हम लोग वीडियोस प्लस पीडीएफ जो है, वीडियोस तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से। तो यहाँ पर इसका जो पार्ट 1, 2, 3 है वो आपको मिल जाएगा, शुरू से देखिए तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, आपको बेस्ट रहेगा। उसके अलावा पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर भी जाएंगे तो यहाँ पर कॉलम बना होगा एक कोर्स का, कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अलग अलग आएगा तो सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि ज़्यादा समय खराब करते हैं। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्लाउड एक्ट लाइक, एक्चुअल में इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन मैं इस जो पीडीएफ यहाँ पर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसके पहले वाले पार्ट में, तो उसी का 10 क्वेश्चन ये बचा हुआ था। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनका पैटर्न थोड़ा अलग है, यानी कि टॉपिक अलग है, इसलिए उसको नेक्स्ट मतलब मैं वीडियो में कवर करूँगा। तो ये कह रहे हैं क्लाउड एक्ट्स लाइक अ डिस्क ड्राइव। क्लाउड जो होता है एक डिस्क ड्राइव की तरह होता है। डिस्क ड्राइव मतलब आप सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ऐसी ड्राइव मतलब जहाँ पर डेटा सेव किया जा सके, ठीक है। मे बी ओन्ड बाई गूगल, ये गूगल का हो सकता है, ठीक है, गूगल का हो सकता है, एप्पल कंपनी का हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर हम फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं रिमोट लोकेशन में। ऐसी लोकेशन मतलब दूर दराज कहीं जो हमें पता नहीं है, आसमान में, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड एक स्टोरेज स्पेस होता है, स्टोरेज स्पेस होता है, जिस स्टोरेज स्पेस मतलब जिसमें ऑडियो वीडियो या फोटो कुछ भी आप सेव कर सको। और ये कहीं मान के चलिए, नाम ही इसका क्लाउड है तो मान लेते हैं कहीं ये आसमान में है, यानी वर्चुअली है ये, जो आपको नहीं पता होता, इसका सर्वर कहीं पर लगा होगा किसी देश के किसी जगह पे और वो उसमें डेटा सेव हो रहा होगा। और अलग अलग कंपनी का होता है, गूगल का जो डेटा जहाँ सेव होता है, आपने आपसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गूगल ड्राइव के नाम से परिचित होंगे, ठीक है। गूगल ड्राइव में क्या होता है, आपके सब डेटा सेव होते रहते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज करते हैं तो आपका जो फोटोज वगैरह का बैकअप होता है, व्हाट्सएप मैसेजेज का बैकअप होता है, वो सब आपके जीमेल आईडी के थ्रू इस ड्राइव में सेव होता रहता है। जब भी आप फ़ोन चेंज करते हैं तो एक फ़ोन से दूसरे फोन में जाते हैं तो बैकअप वापस आ जाता है, तो वो सेव कहाँ रहता है, क्योंकि फ़ोन तो आपका फॉर्मेट हो गया तो जीमेल के अंदर नहीं सेव होता है, वो गूगल के ड्राइव में सेव होता है। तो गूगल ड्राइव क्या है, एक क्लाउड सर्विस है एक तरह से, जिसका मालिक कौन है, गूगल है। इसी तरह से एप्पल के मोबाइल्स आते हैं तो एप्पल का भी अपना स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पर डेटा सेव होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्लाउड एक डिस्क ड्राइव की तरह है, काम करता है, जो गूगल या एप्पल के स्वामित्व यानी मालिक हो सकते हैं कोई भी, और इन फाइलों को संग्रहित किया जाता है, इन्हें स्टोर किया जाता है जहाँ तक कोई भी कोई पहुँच सकता है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसके पास मोबाइल है उन फाइल्स को देख सकता है, अपनी फाइल्स को जो वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो किस टाइप की फाइल्स को आप स्टोर कर सकते हैं, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही आंसर होगा, कि आप क्या कर सकते हो, क्लाउड पे किसी भी प्रकार का पीडीएफ डॉक्यूमेंट फोटो वीडियो ये सब आप सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हर दिन, हिंदी में क्या है, हर दिन क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करते हैं, जब हम उपयोग करते हैं हम कैसे यूज करते हैं, वी यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी डे। क्लाउड कंप्यूटिंग फिर से मैं बात कर लूँ, एक्चुअल में अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे फेसबुक है, फेसबुक पर क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा फेसबुक आप फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं, फेसबुक पर मैसेजेज आप पोस्ट करते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह आप क्या करते हैं, मूवीज वगैरह वीडियोज वगैरह देखते हैं, ये आपका OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे कि अमेजन प्राइम है आपका, MX प्लेयर वगैरह हो गए, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, आपको पता ही होगा डिज्नी हॉटस्टार है, जहाँ पर कुछ फीस देनी पड़ती है और नई नई बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज वेब सीरीज ये सब चीज़ें आती रहती हैं, उसी में से एक नेटफ्लिक्स भी है, ठीक है। और उसके बाद जीमेल की बात करें तो जीमेल में क्या होता है, आप मेल वगैरह भेजते हैं, वीडियोज भेजते हैं और वो सेंड बॉक्स में सेव रहता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये सब इनका डेटा कहाँ होता है, फेसबुक की, हमारे पास कोई पेनड्राइव तो है नहीं,
है ना। नेटफ्लिक्स के लिए भी हमारे पास कोई पेन ड्राइव तो है नहीं, जीमेल के लिए भी कोई पेन ड्राइव तो है नहीं। तो ये सभी जो हम अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं या नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं या जीमेल यूज कर रहे हैं, ये सब लोग कहाँ पे हैं, इनका सारा डेटा सबका कहाँ पे होता है, क्लाउड पे ही होता है, क्लाउड स्टोरेज पे ही होता है, यानी हम क्लाउड कंप्यूटिंग कह सकते हैं इन सबको। अगर हम डेली लाइफ में अपने इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका भी आंसर क्या सही होगा, इसका भी आंसर डी सही होगा, ठीक है। आ गया भाई, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 है। 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू रिट्रीव फोटोज, रिट्रीव मतलब वापस लाना, फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक, या निकालना किसी चीज में से, मतलब निकालना या वापस लाना, रिट्रीव उसी की बात हो रही है। कई बार हम लोगों के जैसे डिलीट हो जाता है फोटो वगैरह, तो उसको हम लोग रिट्रीव करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम फेसबुक की फोटो या वीडियो को पुनर्प्राप्त, मतलब दोबारा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हमने फेसबुक पर फोटो डाल दिया, हमारे मोबाइल से डिलीट हो गई, दो साल पहले हमने फेसबुक पर फोटो डाला था, तो उसको दोबारा हम पीछे जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास जरूरी है कि हम ऐसा कर पाएं। मान लेते हैं कि हमने क्या किया, 2016 में दोस्तों के साथ घूमने गए थे, फोटोज वगैरह उसको फेसबुक पर अपलोड कर दिया था, लेकिन हमारे मोबाइल से वो डिलीट हो गई, तो ऐसे में हमें वापस कैसे मिलेगी, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्वर होना चाहिए, ठीक है, कह रहे हैं कि आपके पास सर्वर होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, उसके बाद आपके पास एक हार्ड डिस्क होनी चाहिए उसके पास, या कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, जिससे आप क्या करोगे, फेसबुक लॉगिन करोगे। डिवाइस क्या हो सकती है, अगर आपके पास एक मोबाइल हो, ठीक है, मोबाइल, या आपके पास एक टैबलेट हो, ठीक है, या आपके पास एक लैपटॉप हो या एक कंप्यूटर हो, इनमें से कोई भी एक डिवाइस हो जिसमें क्या चल रहा हो, इंटरनेट चल रहा हो, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट से ओपन करोगे ब्राउजर, आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लोगे, और फेसबुक लॉगिन करके पीछे जाओगे और अपना फोटो या वीडियो जो भी है उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डिवाइस की, डिवाइस क्या हो सकती है, मैंने नाम लिख दिया, और उसके साथ होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्यूमेंट फोटोज, डॉक्यूमेंट्स फोटोज वीडियोज कैन बी स्टोर्ड ऑनलाइन विद सर्विसेज लाइक, कह रहे हैं कि अगर हम फोटो या वीडियो को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं या किस सर्विस के साथ स्टोर कर सकते हैं। अब नीचे देखते हैं, देखिए हमने बताया था कि गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव भी क्या होता है, गूगल कंपनी का क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज है, जिसको आप गूगल ड्राइव में आप फोटो अपलोड कर दीजिए आज, ठीक है, या मैं अपनी ये वीडियो जो है गूगल ड्राइव में अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पे सेव हो गई। अब उसके बाद अभी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हूँ, अब मैं घूमते हुए दिल्ली चला गया, दिल्ली में मेरे पास मोबाइल होना चाहिए एक, या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें इंटरनेट हो, अब मैं गूगल ड्राइव अपना वहाँ पे लॉगिन करूँगा और वहाँ पे उस वीडियो को देख सकता हूँ या डाउनलोड भी कर सकता हूँ, या फिर मैं चला गया अमेरिका, लंदन, नेपाल, कहीं भी, हालांकि अमेरिका जाने पर पैसे नहीं है, नेपाल जरूर जा सकते हैं कभी भविष्य में। तो किसी भी लोकेशन में मैं घूमता रहूँ और गूगल ड्राइव पर हमने अपलोड कर दिया तो कहीं से भी डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है, वो स्टोर रहता है क्लाउड में, समझ लीजिए, आसान भाषा समझने के लिए कि वो आसमान में स्टोर है, ठीक है, तो एक वर्चुअल स्पेस है कह लीजिए। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या होता है, स्काई ड्राइव होता है, जैसे गूगल कंपनी का क्या था, गूगल ड्राइव है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का स्काई ड्राइव होता है, और ड्रॉपबॉक्स और अमेजन क्लाउड ये भी क्या करते हैं, आपको स्टोर करने की सुविधा देते हैं। तो ये जो तीनों अलग अलग कंपनी है, ये तीनों काम वो करती हैं, क्या करती हैं, फोटोज वीडियोज आप जो या डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में जब आप इनके गूगल पर जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज मिलता है, 15 GB का डेटा आप फ्री में इनके पास अपना स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर आपको स्टोर करना है तो आपको पैसे देने पड़ते हैं इनको, ठीक है, इनका कुछ एनुअल चार्ज होता है। उसी तरह से अन्य अमेजन वगैरह या अमेजन का भी क्लाउड वगैरह यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे बहुत से वेबसाइट्स वगैरह में यूज करते हैं टीचर्स वगैरह, क्या करते हैं कि अमेजन का जो स्पेस है उसे बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, वहाँ पर अपने वीडियोज अपलोड कर देते हैं
और जो वीडियोज़ का लिंक है वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं पढ़ने के लिए, अगर कोई पेड क्लासेज वगैरह लेता है तो ठीक है। तो उस लिंक के द्वारा क्या है, उसमें एक्सेस अलाउ कर देते हैं, उस लड़के की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को अलाउ कर दिया जाता है, ईमेल आईडी को स्पेशली, कि ये स्टूडेंट जो है इस ईमेल आईडी के थ्रू इस वीडियो को देख सकता है। तो ये चीज़ें गूगल ड्राइव में भी होती है, ठीक है। तो वैसे में लोग स्पेस खरीदते हैं, नॉर्मल लोग नहीं खरीदते हैं जनरली। तो इसके लिए फिलहाल यहाँ पे आंसर जो है डी सही हो जाएगा, कि जितनी भी ऊपर तीनों कंपनीज हैं, ये तीनों कंपनीज में आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन डेटा को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों कंपनी क्या देती हैं आपको, तीनों कंपनी आपको क्लाउड स्टोरेज यानी ऑनलाइन स्टोरेज की जो सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एप्पल, हाँ एप्पल कंपनी का आई क्लाउड के नाम से है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, ये क्या मतलब हमें किस प्रकार से मदद करते हैं। तो देखिए सिंक्रोनाइज करने की बात हो रही है, सिंक फाइल बिटवीन मल्टीपल डिवाइस, सिंक फाइल विद क्लाउड, या हाँ चलिए मैं बता दूँ पहले बात, ये सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है, तो ये है क्या सिंक। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ। ये है आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है, पहला वाला मोबाइल फ़ोन पुराना हो गया है, इसमें पड़ी है आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस, जो कुछ भी, या व्हाट्सएप के मैसेजेस। अब आपको जाना है, नया मोबाइल लेना है, न्यू, ठीक है। अब आप चाहते हैं ये डेटा सब उसमें जाए, इसमें आपने क्या कर रखा होगा, एप्पल का होगा आपका, तो एप्पल की आईडी होगी, अदरवाइज एंड्रॉयड यूज कर रहे होंगे तो आपके पास जीमेल की आईडी से आपने लॉगिन कर रखा होगा। तो जो जीमेल का क्लाउड है, ठीक है, गूगल का जो ड्राइव है, ये क्या करता है, आप जब भी यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह का बैकअप या उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह क्या हैं, इस गूगल ड्राइव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नए फ़ोन में जाते हो, तो इस गूगल ड्राइव से फिर आपके नए फ़ोन में चला जाता है, फिर इसमें जो भी सेव करोगे, फिर इसमें सेव होता रहेगा, इसमें आ जाएगा, फिर वापस फ़ोन में आओगे तो इसमें आ जाएगा। तो ये जो है क्या करता है, एक तो क्या कर सकता है, फाइलों को सिंक्रोनाइज कर सकता है, मतलब ड्राइव अपने अंदर ले सकती है फाइल को और आपको वापस दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा दो डिवाइसों के बीच भी ये सिंक्रोनाइजेशन करवा सकते हैं, मतलब यहाँ इसका डेटा इस डिवाइस तक पहुँच सकता है, इसका भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब संभव है, ठीक है। ये जो आपके गूगल ड्राइव या आउटक्लाउड आई क्लाउड वगैरह हैं, ये किस प्रकार से हेल्प करते हैं, तो ये जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं सब कुछ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं हर जगह, आपको क्लाउड के साथ भी सिंक्रोनाइज होता है आपका डेटा, ठीक है, और दूसरे डिवाइस में भी जा सकता है। मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर जो चीज़ बताई आप समझ गए होंगे, तो यही चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर जो आपका है कौन सा है, डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट, पीडीएफ वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट, अगर पीडीएफ है उसी को डॉक्यूमेंट मान लीजिए, अगर आपने फेसबुक पर शेयर किया है, ठीक है, या ईमेल पर शेयर किया है, या ईमेल पर, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अगर हमने फेसबुक वगैरह पहले अपलोड कर दिया है, तो इसमें कह रहा है कि एसेसिबल एनी टाइम सम टाइम, कह रहा है कि अगर हमने फोटो या वीडियो या डॉक्यूमेंट फेसबुक पर मान के चलते हैं अभी उस पर अपलोड किया है, तो हम उसे एक्सेसिबल मतलब देख सकते हैं, एक्सेस मतलब कभी भी उसे देख लेना या डाउनलोड कर लेना, एक्सेस यही समझ के चलिए आप, ठीक है। तो हम उसे एनी टाइम मतलब कभी भी देख सकते हैं, कभी देख सकते हैं, दोनों चीज एक साथ कह रहा है कभी भी देख सकते हैं, फिर कभी देख सकते हैं, मतलब दोनों अलग अलग वर्ड एक साथ लिख दिया, कह रहा है कि जो यहाँ पर डेटा होगा फेसबुक पर या ईमेल पर आपने फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट अगर भेजा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं या कभी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना, दोनों शब्द लिखने का क्या मतलब है, या तो आप कभी देख सकते होंगे या तो कभी भी देख सकते होंगे, ठीक है, तो ये लिखा है। दूसरे में कह रहा है कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तीसरे में कह रहा है कि कहीं से भी देख सकते हैं लेकिन कभी देख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने कोई डेटा अपलोड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बार अगर फेसबुक पर अपलोड कर दिया डेटा, ठीक है, फेसबुक पर मैंने एक बार अपलोड कर दिया डेटा, तो मैं उसे
कभी भी, जब भी मेरे मोबाइल में नेट हो, जब मेरा मन करेगा तब उसको देख सकता हूँ, कभी भी मतलब कि एनी टाइम मैं उसे कभी भी देख सकता हूँ, और दूसरी चीज कहीं से भी देख सकता हूँ, एनीवेयर। मतलब अगर मैं अभी यहाँ हूँ और मैंने यहाँ अपने घर की फ़ोटो अपलोड कर दी उत्तर प्रदेश गाजीपुर में, तो मैं लखनऊ, उसके अलावा दूसरे प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, ठीक है, हरियाणा, कहीं भी जाके देख सकता हूँ। तो ये सेंटेंस आपका सही होगा, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी, कभी, कहीं भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा, कि जो ये डेटा है हम कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं फेसबुक, व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज वीडियोज डॉक्यूमेंट शेयर ऑन जीमेल फेसबुक, हमें क्या जरूरत पड़ेगी एक्सेस, फिर से एक्सेस मतलब समझ लीजिए कि देखने की बात हो रही है, देखना, ओपन करना, जो भी इसको कह लीजिए आप। अगर हम फोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट फेसबुक या जीमेल पर अपलोड किए हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए यानी देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, है ना, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखते हैं यहाँ पर आंसर में क्या क्या है, कह रहा है कि हमें कंप्यूटर चाहिए, दूसरा कह रहा है हमें स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन कोई भी हो लेकिन उसके साथ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर मुझसे पहले आप लोग दे चुके होंगे, इसका आंसर क्या है, सी सही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका आंसर सी क्यों सही होगा, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर तो है लेकिन अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो कैसे देखोगे, नहीं देख सकते ना, फेसबुक नहीं चला सकते। इसी तरह से आपके पास अगर मोबाइल फोन है और उसमें इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे देखोगे, नहीं देख सकते। इसीलिए आपके पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन कोई भी हो लेकिन उसके साथ इंटरनेट होगा, नेट का कनेक्शन यानी उस पर नेट किसी भी प्रकार से चल रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, फोटोज वीडियो जो भी आपने पहले शेयर किया था फेसबुक या जीमेल पर उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस फाइल स्टोर वर्चुअली इन द मेल आर फेसबुक इंक्लूडेड। देखिए वर्चुअली आ गया ना, वर्चुअली मतलब जो होता है होता भी नहीं है, मतलब वर्चुअल एक ऐसा स्पेस जो हम देख तो नहीं पाते हैं कहाँ स्टोर है लेकिन वो होता है, ठीक है। तो वही बात हो रही है, वही चीज़ क्लाउड की ही बात हो रही है, वर्चुअल स्टोरेज मतलब क्लाउड मान के चलिए आप, क्लाउड ही है, क्लाउड स्टोरेज ही है। तो कह रहे हैं कि सम डिवाइसेज दैट कैन बी यूज टू एक्सेस, ऐसी कौन सी डिवाइसें हैं जो एक्सेस आ गया फिर ना, तो इसको देखना समझ के चलिए आप, देखना, देखना, ओपन करना, खोलना, जो भी कह लो। तो अगर कोई भी क्लाउड पर, यानी क्लाउड कहाँ होगा, वही फेसबुक, जीमेल, एप्पल के जो स्टोरेज हैं, अगर ये सब हैं उस पर हम देखना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस है इनमें से जिनसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आप मोबाइल पर भी देख सकते हो, बस इंटरनेट होना चाहिए, आप कंप्यूटर पर भी देख सकते हो, इंटरनेट होना चाहिए, आप आईपैड पर भी देख सकते हो, आईपैड क्या है, एप्पल का है, इसको भी आप, इंटरनेट होना चाहिए, देख सकते हो। इसका मतलब इसमें फिलहाल सिर्फ डिवाइस का नाम पूछा था, तो ये तीनों ऐसी डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सेस कर सकते हैं, कोई हमारा डेटा स्टोर किया हुआ है क्लाउड पर यानी फेसबुक, जीमेल वगैरह पर कहीं, तो हम इन किसी तीनों डिवाइसेज की मदद से उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही बात है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक दिन वीडियो मैंने बोल दिया था बढ़िया पढ़ाता हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो यार मजा आ गया, सब लोग कह रहे थे बढ़िया पढ़ाए थे, पता नहीं यार मजे ले रहे थे यार सच में। चलिए अगला देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग दैट स्टोर प्राइवेटली शेयर्ड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। प्राइवेटली शेयर्ड मतलब जो किसी का, मतलब प्राइवेट हो एक तरह से कह लो, कि हमने अपना वहाँ पर डेटा प्राइवेटली मतलब उसको स्टोर कर लिया और सिर्फ उसका एक्सेस मैं ही जिसको चाहूँ अलाउ करूँ, ठीक है। प्राइवेटली मतलब सिर्फ जिसको हम, मैं समझ रहे, निजी तौर पर, देखिए साझा किए गए वर्चुअल संसाधन, वर्चुअल मतलब वही क्लाउड, क्लाउड स्पेस जो हम लोग जैसे पेन ड्राइव के अलावा जितना भी डेटा सेव कर रहे हैं ना क्लाउड में, उसी की बात हो रहा है। तो ऐसे में
क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको प्राइवेट क्लाउडिंग मिल जाएगा, पब्लिक तो होगा नहीं क्योंकि सबके लिए उपलब्ध नहीं होगा, सीधे प्राइवेट लिखा है। डिस्क ड्राइव क्लाउड कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव की बात ही नहीं होगी यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका आंसर सी, प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, निजी, ठीक है, क्योंकि वो निजी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या निजी तौर पर मैं चाहूँ तो उसको शेयर कर सकता हूँ, मैं चाहूँ कि अपना निजी फाइल मैं अपने कुछ वीडियोज फोटोज अपलोड कर दूँ ड्राइव में, क्लाउड स्पेस पर, वर्चुअल स्पेस पर, और उसका जो लिंक है मैं अलाउ करूँ प्राइवेट रूप से, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो उसको मैं कर सकता हूँ, या उसको मैं सिर्फ प्राइवेट कर दूँ तो उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई और देख नहीं सकता, तो उसको प्राइवेट ही क्लाउड कहेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन सा कहेंगे, प्राइवेट कहेंगे। इसलिए 69 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही, ठीक है, राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, और इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट में क्या हुआ कि थोड़ा सा वो क्वेश्चंस अलग हैं, और ये क्लाउड का ही था इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस कम रखे हैं, नेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट में ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। व्हेन यू हैव अ स्मार्टफोन विद स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन यू कैन, भैया सबसे खास बात ये तो हमें मिलता नहीं है गाँव में, ये कह रहे हैं कि अगर पता नहीं क्या क्या टिप टॉप हो जा रहा है, चलो आजा भाई वापस, ये कह रहे हैं कि अगर आपके मोबाइल फोन में स्टेबल मतलब लगातार चलने वाला इंटरनेट उपलब्ध है तो आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यू कैन, आप क्या कर सकते हैं, आपके स्थिर, आपके इंटरनेट स्थिर हो, आपके स्मार्टफोन में चल रहा हो बढ़िया इंटरनेट, तो क्या कर सकते हैं, फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, यूज फेसबुक ओनली व्हेन इट हैज फेसबुक एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल्ड, यूज फेसबुक ड्यूरिंग डे टाइम, जरूरी थोड़ी है कि हम दिन में ही इस्तेमाल करें, ठीक है, इसको तो आप पहले ही काट दीजिए, फेसबुक हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, आप में से कुछ लोग तो रात में 10 बजे के बाद इस्तेमाल करते होंगे फेसबुक चैट भी, या कुछ लोग जो भी हो, ठीक है, तो रात में भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ओनली आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब फेसबुक ऐप इंस्टॉल हो मोबाइल में आपके, ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि आप फेसबुक पर जो है क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक को तो अपने मोबाइल में क्रोम पर भी लॉगिन कर सकते हैं ना, फेसबुक तो एक ऐप तो है ही, एक वेबसाइट भी है, तो आप क्रोम में भी चला सकते हैं, ठीक है, या फिर मोजिला में भी चला सकते हैं ना, जरूरी तो है नहीं कि ऐप इंस्टॉल हो फेसबुक का तभी फेसबुक चलेगा, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए तो आप फेसबुक क्या कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है, ऐसा कैसे है, क्योंकि आप फेसबुक को ऐप के अलावा मोज़िला क्रोम या गूगल में और भी होते हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र, इस तरह के अन्य ब्राउज़र्स भी हैं जिनकी मदद से आप चला सकते हो, यानी इंटरनेट है तो आप फेसबुक चला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फेसबुक ऐप हो, या ज़रूरी नहीं है कि उसको दिन में ही चलाना हो। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट वीडियो शेयर जो भी है सब, ए टू जेड सब आप लोग करते रहो। और भाई लास्ट में एक बार फिर बता दूं, इस वेबसाइट पर जाना ना भूलें, globalitii.org, ठीक है, और अभी जो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं तो प्रिपेयर हो जाएंगे, तो ग्लोबल आईटीआई जो मोबाइल ऐप है वहाँ पर भी इनकी जो टेस्ट सीरीज है, जो लोग कोर्सेज परचेज कर रखे हैं सेकेंड ईयर के, उनको ये टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत जल्द, जो जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर होते जाएंगे वैसे वैसे ग्लोबल आईटीआई का जो ऐप है उसमें जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर उपलब्ध करवाते रहेंगे हम लोग। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।